दोस्तों, नया बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 6 तरीकों के बारे में जिससे एक आम इंसान भी अमीर बन सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम अमीर और गरीब अपने माइंडसेट के कारण बनते हैं, अपने डिसीजन के कारण बनते हैं। इसमें हमारा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का कोई रोल नहीं है। सेम एजुकेशन सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल की अर्निंग अलग अलग होती है, और कभी कभी तो इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो जिसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है वो कम पैसा कमा रहा होता है, और जिसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी कम है वो कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है। तो इन सब के पीछे जो रीज़न है उनके माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग का है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने कई सारे रिसर्च पेपर के फाइंडिंग्स शेयर करने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये फाइंडिंग्स आपको अपने जीवन में बदलाव और कामयाबी लाने में मदद करेगी। मगर इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे और आगे बढ़ूं, दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकती है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए और वो भी आगे बढ़ें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेगी और मैं खुद भी आपको आंसर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपका लाइक हमें और हमारी टीम को इंकरेज करता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। अमीर और गरीब बनने के पीछे हमारे साइकोलॉजिकल माइंडसेट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एज पर द वॉरेन बफेट, जो एक समय दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था, हर व्यक्ति को अपने अर्निंग का 30% सेविंग करना चाहिए, और ये सेविंग परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए 50% तक ले जाना चाहिए। एक अनदर थ्योरी पार्किंसन लॉ कहती है कि हम जितना भी पैसा कमाएं उस पैसे को हम अपनी आदतों के कारण खर्च करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मंथली इनकम 50,000 है और वो 40,000 रुपया हर महीने खर्च कर रहा है, अगर उस व्यक्ति की इनकम 70,000 हो जाती है तो भी वो 60,000 रुपया महीने का खर्च कर रहा होगा, क्योंकि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है हमारा खर्च भी बढ़ता जाता है। ये हमारी एक आदत है जिसके कारण आपका जो सेविंग है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। मतलब यहाँ ये हुआ, दोनों ही सिचुएशन में आपकी सेविंग जो है वो 10,000 रुपये ही रह गई। 50,000 जब कमा रहे थे तब भी 10,000 रुपये सेव कर रहे थे, 70,000 रुपये जब कमा रहे हो तब भी 10,000 रुपये ही सेव कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि इस एक्स्ट्रा सेविंग का हम करें क्या? एक नॉर्मल इंसान से जब आप पूछोगे कि इस सेविंग्स का हम क्या करें तो वो आपको सलाह देगा कि यार इसे FD में डाल देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, मतलब 7-10% का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ये दूसरी ओर एक रिच माइंडसेट का पीपल इस एक्स्ट्रा इनकम से एसेट क्रिएट करता है। जी हाँ, एसेट। एसेट ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जाती है और ये आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देता है। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन प्रकार से ये एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका रियल एस्टेट। हाँ, हम सब जानते हैं रियल एस्टेट के बारे में। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट ने पूरी दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा अमीर बनाया है। एक मुख्य कारण ये भी है कि रियल एस्टेट परचेज करने के लिए आपको बैंक से लोन भी मिल जाता है। जनरली लोग एक सस्ती प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं बैंक से लोन लेके, और कुछ सालों के बाद उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जबकि कुछ लोग प्रॉपर्टी को बिल्डअप करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, उसको रेंट आउट करते हैं और उस रेंट के पैसे से बैंक का लोन चुकाते हैं, और कुछ सालों के बाद 10-15 साल के बाद एक प्रॉपर्टी उनकी नाम हो जाती है विथ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आप बैंक से लोन ले रहे हो, बैंक का लोन जो आप चुका रहे हो वो रेंटल इनकम से चुका रहे हो, और 10 से 15 साल के बाद एक करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाती है।
मतलब आप करोड़पति हो जाते हो। अब जो सेकंड तरीका है अमीर बनने का, वो है इन्वेस्टमेंट इन टॉप बिजनेसेस। अगर आप किसी पुअर माइंडसेट के आदमी से पूछोगे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं, तो वो आपको बोलेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम करके, दिन रात काम करके, खूब सारा मेहनत करके। इसके बियॉन्ड उनकी विज़न जा ही नहीं पाती है। वहीं इसके विपरीत एक अमीर माइंडसेट के लोग खुद तो मेहनत करते ही हैं, वो अपने बिजनेस में जम के मेहनत करते हैं, पर वो दूसरों के मेहनत का भी पैसा कमाते हैं, उसका भी लाभ उठाते हैं। है ना मजे की बात। ऐसा वो अलग अलग टॉप की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करके करते हैं, जिनसे एक तरफ उनकी शेयर की वैल्यू तो बढ़ती ही जाती है और कंपनी अपने प्रॉफिट से भी उनको डिविडेंड देती है। मतलब ये हुआ कि रिलायंस ने जो प्रॉफिट कमाया, वो अपने शेयर्स होल्डर को उस प्रॉफिट का एक हिस्सा एज ए डिविडेंड भी देती है, जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मिलता है। हमारे देश में भी ऐसी कई सारी अच्छी कंपनियां हैं जहां इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट करके करोड़ों का मुनाफा कमाया है। अगर मैं इन कंपनियों की पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करूं, तो आप चौंक जाएंगे। रिलायंस ने पिछले 5 सालों में 273% का रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले 5 सालों में 144% का रिटर्न दिया है। बजाज फिनसर ने पिछले 5 सालों में 272% का रिटर्न दिया है। एशियन पेंट ने 5 सालों में 107% का रिटर्न दिया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो बिस्किट बनाती है, उसने पिछले 5 सालों में 168% का रिटर्न दिया है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा रिटर्न आपको किसी भी म्यूचुअल फंड या एफडी में नहीं मिल सकता। यही रीजन है कि रिच माइंडसेट के लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से उनकी मेहनत का भी मुनाफा पाते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा इन कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दिया है अपने प्रॉफिट से। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब उसके फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल्स के आपके पास पूरे नॉलेज होने चाहिए। ये सारा डेटा आप NSE, BSE के वेबसाइट से पा सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। आंख बंद करके आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जीरोधा का प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे अच्छा होता है। मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक भी दे रहा हूँ। अगर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब तीसरी जो चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन स्टार्टअप। जी हाँ, आप सबने स्टार्टअप का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपको बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप स्टार्टअप में भी एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में थोड़ा रिस्की तो होता है, मगर अगर आप सही कंपनी का चुनाव कर लें तो आप 20 से 30 गुना पैसा आप आसानी से कमा सकते हैं, अगर आप 10 से 15 साल इंतजार करें तो। इंडिया में भी ऐसी कई सारी स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को करोड़ों का रिटर्न दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ओयो रूम्स, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, फोनपे और ऐसे कई सारे अनगिनत नाम हैं। फ्लिपकार्ट के एक एंजल इन्वेस्टर जिसने शुरुआत के दिनों में फ्लिपकार्ट में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 15 साल के बाद जब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर किया, तो उस एंजल इन्वेस्टर को 110 करोड़ रुपए मिले। मतलब सिर्फ 15 साल में उनके 20 लाख रुपए 110 करोड़ रुपए बन गए। है ना ये कमाल का रिटर्न। स्टार्टअप में इस तरह का रिटर्न मिलना बहुत ही आम बात है। आप कोई भी स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी उठाकर देख लो, उसने इन्वेस्टर को 20 से 30 गुना पैसा बना के दिया है। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में हम जैसे आम रिटेलर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं,
आपको मैं बता दूँ, इंडिया में भी कई सारी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो आपको एज ए इन्वेस्टर अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर सकती है, जैसे कि इंडियन एंजल नेटवर्क हो गया या मुंबई एंजल नेटवर्क हो गया। यहाँ पे आप एज ए इन्वेस्टर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और जब भी इस तरह की कोई स्टार्टअप की डील आती है तो वो अपने सारे मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो शेयर करते हैं, और आप बाकी सारे इन्वेस्टर्स के साथ आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब एक डील में कम से कम 30 से 40 इन्वेस्टर्स होते हैं, सब कोई लगभग कोई 7 लाख रुपया, कोई 10 लाख रुपया, कोई 15 लाख रुपया अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। जो पॉइंट है वो है फ्रेंचाइजीज। रिस्क थिंकर इसका इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। वो एक अच्छे ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेते हैं, फिर उसको अपने शहर में लॉन्च करते हैं। इसमें आपका फ़ायदा क्या है? आपका फ़ायदा ये है कि आपको एक वेल नोन ब्रांड मिल रहा है जिसको कि सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, और एक वेल नोन ब्रांड को सेल करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको लोन भी आसानी से मिल सकता है। आपको इस बिजनेस को रन करने के लिए ज़्यादा सोचने समझने और दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान आपको आपके फ्रेंचाइजी पार्टनर ही प्रोवाइड करते हैं। इवन कि वो आपके लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि ये बिजनेस करना कैसे है, क्योंकि उनके पास सक्सेस फार्मूला ऑलरेडी होता है। तो ये अपने आप में काफ़ी सिक्योर और सक्सेसफुल तरीका है पैसे से पैसे बनाने का। अगला जो पॉइंट है वो है सेलिंग एंड बाइंग बिजनेस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ हम बिजनेस को बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजनेस भी अपने आप में एक एसेट होता है, लाइक प्रॉपर्टी, लाइक रियल एस्टेट, जिसको कि आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग कर रहे हैं, और यूएस में ये स्ट्रेटजी तो बहुत ही पॉपुलर है। पूरी दुनिया में ऐसे अनगिनत एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने एक बिजनेस को बेच के दूसरा बिजनेस शुरू किया। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी इनके बारे में गूगल पे सर्च करें और उनकी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करें। इनमें से कुछ प्रमुख एंटरप्रेन्योर्स जिनको कि हम सब जानते हैं, लाइक एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, एंडी द फाउंडर ऑफ सन माइक्रोसिस्टम एंड मेनी मोर। शुरुआती दिनों में इन एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस को बेचा, उनसे प्रॉफिट बुक किया और फिर नया बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उस नए बिजनेस को फिर से बेचा और फिर कोई तीसरा नया बिजनेस स्टार्ट किया। इस तरह से काफ़ी कम समय में ये लोगों ने काफ़ी सारा पैसा कमाया। आज ये सारे लोग बिलियनियर्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में विजय शेखर शर्मा, कुणाल शाह, सचिन बंसल, बिनी बंसल, कुणाल बहल, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स भी अपने आप में सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। इन्होंने भी शुरुआती दिनों में अपने कई सारे स्टार्टअप्स को बेचा और नए स्टार्टअप्स को खरीदा। इस तरह से इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया, और आज के दिन में ये भी इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर और मिलेनियर्स हैं। देखिए, इस प्रोसेस में सबसे पहले आप एक बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, तेजी से उसको मार्केट में फैलाते हैं, फिर आप इस कंपनी को किसी और कंपनी को बेच देते हैं। इसके विपरीत अगर आपको कोई अच्छी कंपनी, पोटेंशियल कंपनी कम कीमत में दिख रही है तो आप उस कंपनी को एक्वायर करते हैं, फिर उसको उस पर काम करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं और फिर किसी बड़ी कंपनी को उसको बेच देते हैं। इस तरह से विद इन 3 to 5 ईयर आप एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूँगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन। अगली जो चीज़ है वो है पेटेंट एंड लाइसेंसिंग। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लें या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिसका कि आप पेटेंट या कॉपीराइट ले सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट, ये टेक्नोलॉजी आपको लाइफ टाइम पैसे कमा के देगा। सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइसेंस बेस्ड अर्निंग ही करती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, ओरेकल। इसमें आपको सिर्फ एक बार मेहनत करना पड़ता है और आपका ये मेहनत आपको लाइफ टाइम अर्निंग देता है। तो ये अपने आप में भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स होता है इनकम का, और जैसे जैसे आपके यूजर्स बढ़ते जाते हैं आपकी अर्निंग अपने आप होती जाती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है, काफ़ी जगह से जानकारियाँ हमने इकट्ठी करी है। आई होप कि ये जानकारियाँ, ये नॉलेज आपके जीवन में बदलाव लाए। हमारी और हमारी टीम की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। अपना एक्सपीरियंस आप हमसे कमेंट करके शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी सारी वीडियो जो काफ़ी नॉलेजेबल है वो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।